कैसे हो भाई लोग, आपका भाई फिर से आ गया एक और नई वीडियो लेके। वो भी ऐसी वैसी नहीं, वो है आपकी स्किन केयर के लिए, समझे गाइस। जैसे माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है, वैसे ही मैं आपकी स्किन का ध्यान रखूंगा। देखो भाई लोग, फैशन आता बाद में, सबसे पहले आती है हमारी स्किन। सो अगर हमारी स्किन ही हेल्दी नहीं होगी, तो अगर हमारी स्किन के ऊपर डर्ट, पॉल्यूशन, ऑयल वगैरह रहेगा, तो क्या हम घंटा हीरो दिखेंगे? कंट्रोल कंट्रोल उदय। सो आज की जो वीडियो, इसके अंदर मैं आप सभी को फुल डे रूटीन बताऊंगा आपकी स्किन केयर के लिए, सुबह से लेके शाम तक आपको क्या करना है क्या नहीं। सो अगर आप इस रूटीन को फॉलो करते हो तो फिर चाहे आप कच्चे बनियान में घूम लो, कोई दिक्कत नहीं है। अबे साले, देखो भाई लोग, पहले स्टेप की अगर बात करें तो आपको यूज करना है फेस वॉश। गाइस, फेस वॉश यूज करना आपको अपनी स्किन टाइप के हिसाब से। मगर क्यों? देखो भाई लोग, ऐसा है कि सबकी स्किन टाइप जो है वो सबकी अलग होती है। अगर आपकी स्किन टाइप अलग है, आप प्रोडक्ट दूसरा यूज कर रहे हो, तो आपकी जो स्किन है उसको वो सूट नहीं करेगा, समझे। इसलिए आपको अपनी स्किन टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट यूज करना भाई लोग। फेस वॉश यूज करने के बाद आपको अपने फेस के ऊपर यूज करना है टोनर। मगर क्यों? टोनर आपको इसलिए यूज करना है ताकि आपकी जो स्किन का पीएच लेवल है वो मेंटेन हो सके, समझे। इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं। इसके बाद आपको यूज करना है फेस सीरम, वो भी अपनी स्किन टाइप के हिसाब से। अब मत पूछना कि क्यों। मगर क्यों? ये जो फेस सीरम होता है, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, आपकी स्किन को अंदर से हाइड्रेट करते हैं, मॉइस्चराइज करते हैं। ये आपकी जो स्किन है उसको रिपेयर करके ग्लो करती है। साथ में ये एंटी एजिंग भी होता है, ताकि आपकी जो एज है वो कम दिखने लगती है और आपकी जो स्किन है वो ग्लो करने लगती है। अगले स्टेप की अगर बात करें तो वो आपको अपने स्किन टाइप के हिसाब से यूज करना है। मगर क्यों? मॉइस्चराइजर। गाइज, आपको अपने स्किन टाइप के हिसाब से मॉइस्चराइजर यूज करना है, समझे। अगला जो फाइनल स्टेप है मॉर्निंग रूटीन का, वो है सनस्क्रीन। गाइज, सनस्क्रीन मेरे ख्याल से बताने की कोई जरूरत नहीं है कि आपको क्यों यूज करनी चाहिए, किस लिए यूज करनी चाहिए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें नहीं पता कि सनस्क्रीन क्यों यूज करना चाहिए, तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूंगी सनस्क्रीन इसलिए यूज करना चाहिए कि एक तो गाइज ये आपको टैनिंग से बचाती है, दूसरा ये है कि आपको जो सन के हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेजेस होती है उनसे भी आपको ये बचाव करती है। मतलब ये आपके लिए मैंडेटरी है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, आपको इसका यूज करना है तो करना है। खासकर गर्मियों में तो आपको इसका यूज करना ही है, तो करना ही है। मगर क्यों? कंट्रोल उदय। और हाँ गाइज, आपकी नॉलेज के लिए एक बात बता दूं, जब भी आप सनस्क्रीन यूज करते हो तो बाहर निकलने से पहले 15 मिनट पहले इसका यूज करें, ताकि ये अच्छे तरह से एक्टिवेट हो सके और ये अपना वर्क करना स्टार्ट कर दे, ताकि ये आपको टैनिंग से बचा सके, सन के हार्मफुल रेजेस से बचा सके, समझे। अब गाइज, ये तो हो गया आपका मॉर्निंग रूटीन। अब आप चाहे दिल्ली जाओ, चाहे लंदन जाओ, कहीं भी जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो गाइज, अब मैं आप लोग को कुछ एक ऐसा फेस पैक बताने वाला हूँ जिसका यूज आपको हफ्ते में एक बार जरूर या दो बार जरूर करना चाहिए, जिससे आपकी जो स्किन को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। सो गाइस, ये फेस पैक बनाने के लिए आपको यूज करना है 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी और आधा चम्मच आपको बेसन यूज करना है, साथ में आपको आधा चम्मच नींबू यूज करना है, और साथ में आपको यूज करनी है दही और थोड़ा सा गुलाब जल। आपको इन सब का मिक्सर बनाकर आपको अपने फेस के ऊपर लगा लेना है। मगर क्यों? इससे भाई लोग होगा ये कि आपके जो फेस के अंदर जो डर्ट जमी है, जो गंदगी, जो टैनिंग वगैरह है वो दूर हो जाएगी और आपका जो फेस है उसको ठंडक मिलेगी बहुत ही अच्छी तरीके से, और जो आपके फेस के ऊपर एक्ने, पिंपल्स वगैरह गर्मी की वजह से हो रखे हैं वे दूर हो जाएंगे, तो इसको यूज जरूर करना। सो गाइस, जब बात करते हैं शाम की, आपने पूरा काम कर लिया, पूरा दिन घूम लिए, फिर लिए, जिम भी चले गए और सारा काम कर लिया, मतलब अब टाइम आता है शाम का, तो शाम को आपको करना ये कि आपको यूज करना है फेस वॉश अपने फेस के हिसाब से। सो आपको अपने स्किन टाइप के हिसाब से आपको फेस वॉश यूज करना है, साथ में इसके बाद आपको यूज करना है टोनर, समझ गए ना। टोनर के बाद आपको यूज करना है अपनी स्किन टाइप के हिसाब से सीरम, फेस सीरम के बाद आपको यूज करना है मॉइस्चराइजर। बस 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 गाइज, आपको बस इसे इतना ही फॉलो करना है, इसके बाद आप बिस्तर में जाके सो सकते बड़ी आसानी से। बस गाइज, आपको इस छोटे से रूटीन को फॉलो करना है। देखो भाई, ऐसा है कि मगर क्यों, आपने बहुत सी ऐसी वीडियो देखी होंगी, ये यूज करो, वो यूज करो, एक्चुअली भाई ये सारी बकचोदियां हैं, समझे। अगर आप ये सब यूज करते हो, जो चीज़ें मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताई हैं, बस यही इन चीज़ों को यूज करो, बाकी सब मतलब आपको यूज करने इनकी तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है, समझे। आपकी स्किन को जिन जिन चीज़ों की जरूरत होती है वो सब चीज़ें मैंने बता दी, मतलब इसके अलावा आपको कुछ यूज नहीं करना है। बढ़िया था, बस आपको इस छोटे से स्किन रूटीन को फॉलो करना, साथ में अपने भाई को भी। आपको हफ्ते में एक बार अपनी स्किन को एक्सफोलिएट यानी कि अपनी स्किन को स्क्रब जरूर करना, ताकि आपकी स्किन से जो डेड सेल्स वगैरह हैं वे अच्छी तरीके से निकल जाएं और आपकी स्किन है वो खिल समझे ना, तो आपकी जो स्किन है वो अच्छे से खिल उठे।
बस गाइज आप लोग इन चीज़ों को फॉलो करो और साथ में अपने भाई को भी, आपको और किसी चीज़ को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं, समझे? और तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और Let's not you.